हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आमिर खान की पॉपुलर फिल्म तारे जमीन पर आप सबको याद होगी, इस फिल्म में ईशान के रोल में दर्शील साफरी नजर आए थे। 2007 की फिल्म में नजर आए दर्शील साफरी ने अपने अभिनय से खूब वाहवाही बटोरी थी। इस फिल्म को रिलीज हुए आज 14 साल हो चुके हैं और इन सालों में दर्शील काफी बड़े हो चुके हैं। आज हम आपको दर्शील के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आपने भी फिल्म तारे जमीन देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दर्शील साफरी अब 24 साल के हो चुके हैं और हैंडसम और गुड लुकिंग भी हो चुके हैं, और हाल ही में सोशल मीडिया पर आई उनकी तस्वीर ने फैंस को हैरान कर दिया, जहां पर लोग ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये 14 साल पहले की फिल्म तारे जमीन पर काम करने वाला बाल कलाकार है। बता दें कि तारे जमीन फिल्म में ईशान का किरदार निभाने वाले दर्शील, उनको पढ़ने लिखने की काफी समस्या थी। छोटी उम्र में दर्शील साफरी ने नेशनल अवार्ड भी जीतकर सबको हैरान कर दिया था। दर्शील आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और अपने वीडियोस को डालते रहते हैं और आप भी उनको एक नजर में पहचान नहीं पाओगे। हालांकि कुछ फैंस ने उन्हें पहचान तो लिया, लेकिन वे भी काफी आश्चर्य महसूस कर रहे हैं दर्शील को देखते हुए। बता दें कि दर्शील साफरी कलर्स के डांस बेस्ड रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी बतौर कंटेस्टेंट के तौर पर अपना डांस का जलवा बिखेर चुके हैं। बता दें कि तारे जमीन के बाद उन्होंने फिल्म बम बम भोले में काम भी किया था। फिलहाल वे HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी कर रहे हैं। हालांकि दर्शील फिर से फिल्मों में आ सकते हैं, लेकिन अभी वो अपनी पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर वे अपने आप को काफी एक्टिव रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको तारे जमीन फिल्म में दर्शील जाफरी की एक्टिंग कैसी लगी थी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।